रात इस जगह गुजारने के बाद हमें इस जगह को अलविदा कहना ही पड़ा। आज का दिन काफ़ी कठिन होगा, हमें हमारे बैकपैक्स पूरे दिन कैरी करने पड़ेंगे जिनका वजन भी काफ़ी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तीसरा दिन आज हमारा और हम निकल पड़े आज के ट्रैक के लिए। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमारा टारगेट पूरा हो जाए दिन का, तो हम आज ही घर वापस चले जाएं। टारगेट पूरा नहीं हुआ तो एक और नाइट हमें यहाँ पे गुजारनी पड़ेगी। हांडू गली टॉप पे भी हम बैठे हैं। ये नीचे वाली लेक जो है सोनासर नाम है इसका, और हम अभी 4200 प्लस पे बैठे हुए हैं। तो हमें जहाँ से वापस जाना है आज ही कोशिश है। इसके बीच में तीन रिज क्रॉस करके वो वाली ट्रेल भी आपको दिख रही होगी, नंगा पहाड़ है, तो वहाँ से हमें क्रॉस करके पीरमरग पहुँचना है। चंदन सर गोया के दिल को खींचने वाली चीज़ है ये। मेरे बाकी साथी कुछ बताना चाहेंगे आप? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू बताया इन्होंने तो मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है भाई। इतनी ज़्यादा खुशी मिल गई आज, मैं यहाँ पे काफ़ी बार आ चुका हूँ। ये देखिए इससे पहले भी कई बार आ चुका हूं मैं, लेकिन जो कलर आज इसका दिख रहा है ना भाई साहब, आज तक ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। रुक जा भाई आसिफ भाई, इससे पहले जब मैंने हीरपोरा लेक्स और सेवन लेक्स जो है एक्सप्लोर की थी उसमें ये मेरे साथ था और एक भाई, वो आज हमारे साथ नहीं है, तो इसका शुक्रिया आज भी मेरे साथ आ गया। ये था मेरा सपना, एक ही रीच पे आपको मैं दो लेक्स दिखा पाऊं। ये देखिए, एक ये रहा कटरनल, ये पीछे है
कटोरी सर, दोनों लेक्स एक ही रिज पे। मेरा सपना आज पूरा हो गया। मेरे पीछे कालडिचनी सर, इसका पानी पूरा काला होता है, शायद इसी वजह से इसका नाम कालडिचनी इन्होंने रखा है। आखिरी यहाँ पे हमारा जो पड़ाव होगा 15 या 20 मिनट के बाद वो नंदन सर में होगा। उसके बाद हमें नंगा पहाड़ तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी आ गई, क्योंकि हमारे पास जो बैग्स हैं ना, ये देख लो, ये मेरा है, करीब इसका वज़न 16 से 18 किलो का होगा। टाटा कोटी है, उसके नेक्स्ट में अपोजिट टाटा कोटी है, ये सनसेट है, ये टाटा कोटी है, लेकिन अभी वो दोनों बंद हो गए।